दोस्तों, चाहे बात हो पिज्जा पर लगे चीज की या फिर बर्गर पर लगे चीज की, इससे एक चीज तो तय है कि ये खाने का टेस्ट बढ़ा देती है। और कुछ लोग तो चीज के इतने शौकीन होते हैं कि वो पिज्जा भी डबल चीज वाला खाना पसंद करते हैं। फॉरेन कंट्रीज के साथ अब इंडिया में भी चीज की डिमांड काफी तेजी के साथ बढ़ने लगी है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अमूल फैक्ट्री के उस सफर पर जहाँ रोजाना कई टन चीज बनाकर तैयार किया जाता है। दोस्तों, यूं तो अमूल काफी सारे चीज बनाता है, चाहे वो चीज ब्रिक हो, चीज स्लाइस हो या फिर सबका फेवरेट मोजरेला चीज। इन सब की शुरुआत होती है भारत के छोटे छोटे गांव से, जहां हजारों डेयरी फार्मर्स अपना दूध अमूल के मिल्क कलेक्शन सेंटर में पहुंचाते हैं। यहां दूध की क्वालिटी और फैट टेस्टिंग होने के बाद सारे दूध को ट्रक्स में लोड करके अमूल के फैक्ट्रीज तक भेज दिया जाता है, जहां दूध को अनलोड करके प्री टेस्टिंग एरिया में लाया जाता है। दोस्तों, यहां दूध का फिर से एक और बार टेस्ट किया जाता है, जिसमें दूध को पैस्चराइजेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। इससे होता ये है कि दूध के अंदर का सारा बैक्टीरिया वगैरह खत्म हो जाता है और दूध का एक्स्ट्रा फैट भी निकाल कर अलग कर दिया जाता है। दूध को चीज बनाने के लिए आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, चीज को काफी सावधानी के साथ तैयार किया जाता है, इसलिए चीज मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में आने से पहले सभी वर्कर्स को एक एयर चैम्बर से गुजारा जाता है, जहां सभी डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। अब शुरू होता है चीज बनाने का असली प्रोसेस। इसके लिए दूध में सबसे पहले कल्चर नामक कुछ बैक्टीरिया को डाला जाता है, जैसे कि दही बनाते टाइम किया जाता है, और फैक्ट्री में इस बैक्टीरिया को भी कर्ड ही कहा जाता है। इस कल्चर को दूध में करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ ये दोस्तों गर्म पानी में वेजिटेरियन रेनेट नाम का एंजाइम दूध में मिला दिया जाता है, जिसके बाद ये दूध कुछ इस तरह से सॉलिड होने लगता है। अब इसे काट कर और गर्म पानी में डालकर एक घंटे तक पकाया जाता है। अब इस तैयार कर्ड से सारे एक्स्ट्रा पानी को निकाल दिया जाता है और इस सॉलिड को मिलर्स में डालकर इनमें नमक भी ऐड किया जाता है। इतना प्रोसेस होने के बाद अब सारे चीज को दूसरी कंप्रेसर मशीन में डालकर चीज ब्रिक्स को बनाया जाता है, जिन्हें फिर मेटल डिटेक्टर से भी गुजारा जाता है, और अगर सब सही रहता है तो इन्हें गर्म पानी में डुबाया जाता है और लास्ट में इन पर लेबलिंग भी कर दी जाती है। और अभी सारा काम खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, अब इन ब्लॉक्स को दो हिस्सों में बांटा जाता है, जहाँ एक तरफ चीज को आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जिससे मोजरेला चीज को बनाया जाएगा, और दूसरी तरफ चीज को 6 से 7 महीनों तक टेम्परेचर कंट्रोल स्टोरेज हाउस में छोड़ दिया जाता है। इसे चीज मैच्योरिंग प्रोसेस भी कहा जाता है, जिससे चीज को एक नया फ्लेवर भी मिलता है। इसी तरह सभी चीज को यूं ही पुराना किया जाता है, कई चीज को तो कई कई सालों तक भी यूं ही छोड़ दिया जाता है। अब पुराना होने के बाद इस चीज को टेस्ट करके चेक किया जाता है, और अगर टेस्ट सही हुआ तो इसे अगले प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहां इसे ग्राइंड करके चीज की क्वालिटी, फैट और पीएच वैल्यू को भी मेंटेन किया जाता है। अब इस चीज को दोबारा से मेल्ट करके इसे अलग अलग साइज दिया जाता है, जैसे कि छोटे क्यूब्स और स्लाइस। हाँ, बस पैक होने से पहले इन्हें एक बार ठंडा जरूर कर लेते हैं, ताकि ये जम कर सॉलिड हो जाएं। और अगर वही बात करें मोजरेला चीज की, तो इसे भी पकाया जाता है, जिससे होता ये है कि इसमें फैट की मात्रा बढ़ जाती है। और अब इसे पानी और नमक के सॉल्यूशन में कुछ देर के लिए यूं ही छोड़कर और पैक करके मार्केट्स और हमारे घरों तक पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से फैक्ट्री में आपके मन पसंदीदा चीज को बनाकर तैयार किया जाता है। या मेरी तरह आपको भी चीज खाना पसंद है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं परसों एक और शानदार वीडियो के साथ।